ये सोच लाना भी बहुत बड़ा पाप है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन अब किसी और जगह होंगे। दोस्तों, हमारा हक बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम सोने की खोज में हीरे को खो रहे हैं। एक तो ये हमारा एक अस्तित्व है, हम सभी केदारवासियों की हमारी एक पहचान है और हम इसके साथ हिमालय तो केदारम तम नमामि। जय जय श्री केदारेश्वर महादेव की जय। आप सभी लोगों पर बाबा केदारनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहे। और मैं हूं दोस्तों रोहित राणा, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो कुछ नई होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नई ही नहीं, ये हमारे हक के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, जब बात अस्तित्व पर आती है तो हमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। दोस्तों, काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, केदारनाथ दिल्ली धाम ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ बाबा का प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है दोस्तों सभी प्रदेशवासियों के लिए, हम केदारवासियों के लिए। ये हमारी आस्था के खिलाफ है, ये हमारी आस्था के सरासर खिलाफ है। केदारनाथ, बाबा केदारनाथ की महिमा को भंग करने का ये प्रयास है। और इससे भी बुरी बात यह है दोस्तों कि जब वहाँ शिलान्यास हुआ तो उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शामिल थे। दोस्तों, ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है और उन सभी साई भक्तों के साथ खिलवाड़ है जो बाबा के पास बड़ी आस्था और भक्ति को लेकर हर साल यात्रा पर आते हैं। उन सभी धर्मावलंबियों, उन सभी पुरोहितों, उन सभी ब्राह्मणों, उन सभी पुजारियों, सभी पर ये सभी की आस्था को भंग करने का ये बहुत बड़ा प्रयास है दोस्तों। प्रयास ही कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ऐसी सोच का रखना ही एक आपत्तिजनक बात है। ये दोस्तों हमारी अस्तित्व के भी खिलाफ है, क्योंकि हमारा एक ही अस्तित्व है, हमारी एक ही पहचान है, वह है बाबा केदारनाथ। ये पूरा प्रदेश, ये देवभूमि, ये उत्तराखंड केदारखंड है दोस्तों। हिमालये तु केदारम, सिर्फ बाबा केदारनाथ ही हिमालय की गोद में है। महादेव ने जब भी तपस्या की है दोस्तों, ऐसे स्थान पर की है, बहुत दुर्गम स्थानों पर किया है, हिमालय की चोटियों पर की है, जहां आम मनुष्य के लिए जाना बहुत ही दुर्गम हो जाता है। लेकिन अब आधुनिक दौर में तो रास्ते बन गए हैं, इसीलिए हर कोई जा रहा है। लेकिन फिर भी जब महादेव ने इतनी तपस्या की तो हम उन्हें पाने के लिए इतनी तपस्या तो कर ही सकते हैं कि हम बाबा केदारनाथ हर साल यात्रा करने जाते हैं, या बाहर के कोई भी यात्रीगण आते हैं, भक्त लोग आते हैं, एक श्रद्धा और आस्था लेके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं प्रत्येक साल। चाहे आज के दौर में कहा जाए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भक्त सिर्फ दर्शन हेतु नहीं बल्कि प्रदर्शन हेतु दर्शन करने आ रहे हैं, कोई रील बनाने आ रहे हैं, कैमरे लेके आ रहे हैं, ये सभी सनातनियों, सभी सह भक्तों की आस्था के खिलाफ खिलवाड़ है दोस्तों। तो शास्त्रों में कहा गया है कि केदारनाथ धाम में मनुष्यों को सिर्फ 6 महीने पूजा करने का अधिकार है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली धाम में जो मंदिर बनाया जा रहा है बाबा केदारनाथ का, वहाँ 12 महीने भक्तों को दर्शन होंगे, जो कि हमारे शास्त्रों और हमारे ऋषि मुनियों का अपमान है। जब बाबा केदारनाथ के दर्शन 6 महीने केदारनाथ धाम में होते हैं, 6 महीने पश्चात वहाँ कपाट बंद होते हैं केदारनाथ धाम में, तो 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ की डोली ओमकारेश्वर मंदिर में आती है। तो 6 महीने सभी भक्त लोग ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आप इतना कष्ट, इतना पीड़ा तो सहन कर सकते हैं अपनी भक्ति के लिए। यदि आपको ये पीड़ा लग रही है, यदि आपको उत्तराखंड की ये यात्रा बाबा केदारनाथ धाम तक ये पीड़ा, ये कष्ट लग रहा है, तो आप इसे सहन करो। 6 महीने बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन होते हैं और 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर में, उस चीज़ को डेवलप किया जा सकता था दोस्तों। पहले से ही उत्तराखंड में विकास के नाम पर यदि देखा जाए तो विनाश ही हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में जोशीमठ में आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वहाँ की पूरी प्राकृतिक से लेकर मानवीय क्षति कितनी हुई है दोस्तों। वहाँ पर तो पूरा, वहाँ का पूरा नक्शा बदल गया है। जब जोशीमठ में टनल निर्माण कार्य के दौरान वहाँ दरारें आई थी, वहाँ के लोगों ने अपना घर छोड़ा। ऐसे ही कई ढेर सारे उदाहरण यदि लेके चले तो विनाश का कारण सिर्फ एक विकास था दोस्तों। जो लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में जाके बाबा केदारनाथ का मंदिर बनाएंगे, मंदिर आप लोग बनाएंगे, क्या आप हिमालय के
उस बर्फ़ को या हिमालय के उस पहाड़ को दिल्ली में ले जाएंगे? क्या आप उस वासुकी ताल को दिल्ली में ले जाएंगे? क्या आप उन झरनों, उन तालों को दिल्ली में ले जाएंगे? इस नज़ारे को, इस खूबसूरत नज़ारे को, हरे भरे नज़ारे को आप दिल्ली में ले जाएंगे? ये सब तो आप नहीं ले जा सकते हैं कि गलती हमारी ही है कि बाहर के लोगों को हमने अधिक से अधिक यहाँ पनाह दी है, जो कि अब हमारे ऊपर ही रौब झाड़ रहे हैं, हमारे ऊपर ही अपना अधिकार जता रहे हैं, जैसा कि वो जगह इनकी होगी और हम यहाँ काम कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ हमारा, हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया है, उन्होंने इस धराधाम की सेवा की है और उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, और आज हमारा हक बनता है कि हम इसके ख़िलाफ़ पूरी की पूरी आवाज़ उठाएं। दोस्तों, आज तक मैंने कभी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन बात अगर अपने अस्तित्व पर आती है तो बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए प्रत्येक उत्तराखंड वासियों को, केदार वासियों को आवाज़ उठानी चाहिए इस मुद्दे पर। मैं ये मुद्दा ना राजनीति को लेकर उठाना चाहता हूँ, ना अपने प्रदेश की अखंडता पर। यह मुद्दा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिर्फ ये सोच भी रखी है कि केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनाया जाएगा। दोस्तों, पुराणों में सब विदित है कि बाबा केदारनाथ का एक ही मंदिर है। दोस्तों, केदारनाथ का शाब्दिक अर्थ है, कौ का अर्थ है स्वर्ग, और दार का अर्थ है द्वार, यानी स्वर्ग का द्वार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ही ऐसा एकमात्र मंदिर है दोस्तों, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर गोत्र हत्या, वंश हत्या, गुरु हत्या का पाप चढ़ा था, तो इस पाप से बचने के लिए पांडव महादेव के दर्शन हेतु इस स्थान पर आए थे, और यहाँ पर पांडवों को केदारनाथ के दर्शन के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और सतयुग में दोस्तों, नर और नारायण ऋषियों ने इसी स्थान पर, केदारनाथ स्थान पर जो है, तपस्या की थी और महादेव के दर्शन किए थे। दोस्तों, केदारनाथ को मोक्ष का द्वार कहा गया है, और जो भी भक्त लोग वहाँ जाते हैं एक तरफ से मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जाते हैं। भले ही आज के दिनांक में छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब वहाँ पर उम्रदराज लोग ही जाया करते थे मोक्ष की प्राप्ति हेतु। जब उन्होंने पूरी दुनिया, पूरा सांसारिक जीवन जी के, जब उसके पश्चात उन्हें पूरे संसार से ज़्यादा कोई लोभ नहीं रहता था, तब जाके वो उम्रदराज लोग जो है बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जाते थे, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से पता किया है। दोस्तों, और रही बात बाबा केदारनाथ धाम की, दोस्तों ये हमारा एक अस्तित्व है, हम सभी केदारवासियों की हमारी एक पहचान है, और हम इसके साथ ऐसा नहीं होने देते। दोस्तों, धामी सरकार को हूँ या कोई और सरकार को हूँ या कोई और ट्रस्ट के को हूँ, जो भी हैं, जो ये सोच लेकर चल रहे हैं दोस्तों, वो इस तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बाबा केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में जब बनेगा, वैसे तो हम बनने नहीं देंगे दोस्तों, हम केदारवासी बनने नहीं देंगे, लेकिन जब बनेगा तो वो एक पर्यटक स्थल मात्र ही रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो केदारनाथ धाम की पौराणिकता, पवित्रता और जो अखंडता है, जो अस्तित्व है, पहचान है, वो यहीं है, हिमालय की गोद में बसे हमारे बाबा केदारनाथ, हमारे बाबा बर्फानी। तो ये सरासर अपमान है हमारे तीर्थ स्थलों के लिए, और मैं धामी सरकार से विनती भी करना चाहूँगा, आग्रह भी करना चाहूँगा, और उन सभी लोगों के लिए चेतावनी भी है दोस्तों, कि जल्द से जल्द इस निर्णय को बदल दें और इस सोच को भी न लाएं कि केदारनाथ धाम किसी अन्य जगह बनेगा। ये कोई खिलौना नहीं है दोस्तों, कि इसे कहीं भी उठाकर ले जाओ। और मैं अपने प्रदेशवासियों, अपने केदारवासियों, गढ़वाली भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो बाहर के लोग यहाँ अपना अधिकार जमाए बैठे हुए हैं, अधिकार ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि हम रोज़गार की ढूंढ में, रोज़गार रोज़गार पूरी ज़िंदगी भर, रोज़गार रोज़गार अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने लिए रोज़गार रोज़गार करते करते बाहर जा चुके हैं, अपने प्रदेश के बाहर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम सोने की खोज में हीरे को खो रहे हैं। एक बात यही ये मुहावरा यहाँ पर सिद्ध होता है कि हम रोज़गार की ढूंढ में तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ रोज़गार करने आ रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। यदि हम रोज़गार की उतनी ढूंढ ना करें, तो जब केदारनाथ धाम में 6 महीने की यात्रा जब शुरू होती है, 6 महीने के लिए, तो जितने भी हम लोग हैं जो रोज़गार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अन्य स्थान, अन्य प्रदेश में जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, तो हम यहीं स्वयं रोज़गार की व्यवस्था कर सकते हैं 6 महीने के लिए, अपनी दुकानें डाल सकते हैं, जो हमसे हो पाए, जो हमसे सक्षम हो पाए, उस चीज़ को हम कर सकते हैं अपने रोज़गार हेतु।
और 6 महीने के लिए हम अच्छा खासा रोजगार अपने लिए खड़ा कर सकते हैं इस यात्रा सीजन में अपने इस धरा धाम केदारनाथ धाम में। ये बाबा केदारनाथ की हम पर एक परम कृपा पहले से ही बनी है, लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं जो लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। और अब वही लोग कह रहे हैं कि बाहर वाले यहाँ आ गए, वही लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन गलती उन्हीं लोगों की है जो हम लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब किसी बाहर वाले को कोई जगह खाली मिलेगी तो उसको वहाँ पर कब्जा करने में आसानी होगी। और आज देखा जाए तो केदारनाथ में 70% नेपाली लोग हैं, 70%। अब बचे 30% तो उनमें से हमारे यहाँ हमारे केदार वासी हैं, हमारे उत्तराखंड वासी हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। तो हमारा पूरा का पूरा हक बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि केदारनाथ हमारा एक अस्तित्व है, हमारी अखंडता है, और हम इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हम सभी प्रदेशवासियों को एक साथ होना होगा, एकजुट होना होगा, एकता लानी होगी, और सभी केदारवासियों को एक होकर इसके खिलाफ यदि हम आवाज़ उठाएं तो हमारा कोई बाल विवांका नहीं कर सकता। अभी तक इन्होंने हमारा भोलापन देखा है, हम केदारवासियों का भोलापन देखा है, और अब ये हमारा क्रोध भी देखेंगे। दोस्तों, यदि जो आम जनमानस है वो सरकार बनाना भी जानती है तो सरकार गिराना भी जानती है। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे यदि इन्होंने ये निर्णय चेंज नहीं किया। ये सोच लाना भी बहुत बड़ा पाप है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन अब किसी और जगह होंगे, दिल्ली होंगे, ये सरासर गलत है। और ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात है दोस्तों, और हमारी आस्था हमारी भक्ति के खिलाफ है। तो सभी प्रदेशवासी यहाँ पर एकजुट हों, और यदि आंदोलन भी करना हो तो आंदोलन करें जगह जगह पर और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अभी दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा जितना मेरे मन में था मैंने कहा दोस्तों, और ये हर एक केदारवासी को कहने का हक बनता है। बाबा केदारनाथ पर हमारा पूरा का पूरा हक है, बाहर वाले का कोई हक नहीं बनता कि बाबा केदार को हमसे छीन सके। दोस्तों, आप सभी लोगों पर बाबा केदारनाथ की कृपा दृष्टि बने रहे, और उन पापियों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाबा केदारनाथ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं और उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी जिन्होंने सिर्फ ये सोचा भी कि बाबा केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनेगा। ये सरासर गलत है, हम इसका कोटि कोटि बार विरोध करेंगे। जब तक ये निर्णय बदला नहीं गया तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और दोस्तों, कमेंट में जय जय श्री केदार जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस इंसान के पास पहुँचाएं, हर उस केदारवासी के पास पहुँचाएं जो कि अभी भी मौन है। जय जय श्री केदार।